नमस्कार। यूपीएससी जो है हर युवा का एक सपना है, जो अधिकारी बनना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, और इस मामले में कैथल पिछले कई सालों से अग्रणी बना हुआ है। पिछले साल कैथल से 6 बच्चों ने यूपीएससी की परीक्षा पास की थी। इस बार फिर जो है कैथल के एक होनहार बच्चे ने यूपीएससी की परीक्षा पास की है और उन्होंने अच्छा रैंक भी हासिल किया है। कैथल के सेक्टर 19 के निवासी हैं। हम घर पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे कैसे उन्होंने तैयारी की और उनका कौन सा रैंक आया है और आगे इनका क्या सपना है। राम राम भाई। नमस्ते नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम सिंगला है। शुभम, पहले तो आपको बधाई। धन्यवाद। आप पहले शुभम बताइए कि आपकी जो ये यूपीएससी का सपना था, कब से आपने देखा था और कब से आप तैयारी में थे, और एक बार से पहले रिजल्ट बता दीजिए, आपका रैंक कौन सा आया? मेरा रैंक 420 आया। और एक मतलब मुझे लगता है इंडिया में एक बार सभी का सपना रहता ही है बचपन में यूपीएससी करने का, बट उसके बाद मैं जब नौकरी पर गया तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं कॉरपोरेट नौकरी तो नहीं करना चाहता, कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ और जो शायद सिविल सेवा से मुझे मौका मिलेगा करने का। तब मैंने 2020 में नौकरी छोड़कर इसमें तैयारी करनी शुरू की। पहले तो बताइए स्कूलिंग कहाँ से की थी और किस क्लास में आपने ये सपना संजोया था कि मैं यूपीएससी क्लियर करूंगा? मैंने स्कूलिंग आरकेएसडी पब्लिक स्कूल से की है। मैं नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक वहीं से स्कूलिंग की है मैंने। और उसके बाद मैं सच बोलूं तो यही होगा कि मैं जब नौकरी कर रहा था तभी मुझे ये लगा कि मुझे यूपीएससी की तरफ जाना है, मुझे प्राइवेट नौकरी नहीं करनी है, कॉरपोरेट में नौकरी नहीं करनी है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कॉरपोरेट में नौकरी करना बुरा है, बट मुझे लगता है कि शायद मैं देश की सेवा ज़्यादा यूपीएससी के थ्रू कर सकता हूँ, लोगों से जुड़ सकता हूँ, जो शायद ऑफिस में बैठकर नहीं कर सकते। स्कूलिंग के बाद कॉलेज कहाँ से किया और उसके बाद कॉलेज की जो स्टडी पूरी हुई, फिर जॉब कितने साल पहले, कब शुरू की, कहाँ शुरू की, और जॉब करते करते फिर कब आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू की? तो मैंने स्कूलिंग के बाद आईआईटी दिल्ली से मैकेनिकल में इंजीनियरिंग किया। 2019 में मैं ग्रेजुएट हुआ वहाँ से। उसके बाद मैंने मुंबई में नौकरी करी, JP Morgan एक संस्था कंपनी है उसमें, और वहाँ नौकरी करते हुए 6-7 महीने हुए थे कि मुझे लगा कि शायद केवल पैसा कमाने से वो खुशी नहीं मिल सकती जो लोगों की सेवा करने से मिल सकती है। तब मैंने वहाँ से नौकरी पढ़ना शुरू किया और अप्रैल 2020 में मैंने नौकरी छोड़कर फुल टाइम यूपीएससी की तैयारी शुरू की। मैंने घर से ही प्रिपरेशन किया। उसके बाद मैंने 2022 में मेरा पहले अटैम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे अटैम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया, तब मैंने दोबारा से नौकरी ज्वाइन कर ली। मुझे लगा कि मेरी तैयारी इतनी हो चुकी है कि मैं इंटरव्यू के बाद आपने दोबारा जॉब शुरू ज्वाइन कर लिया? मैंने सेकेंड मेंस के बाद जॉब ज्वाइन कर ली। मुझे लगा कि मैं अब इतनी तैयारी हो चुकी है कि मैं नौकरी के साथ कर सकता हूँ, नौकरी के द्वारा मैं देश की GDP में कंट्रीब्यूशन करूंगा इंस्टेड ऑफ। एक मिनट रुकूंगा यहाँ पे। जब आप जॉब में थे, जो प्रोफाइल क्या था आपका, और जब आपने यूपीएससी करना चाहा तो यूपीएससी में सब्जेक्ट क्या आपने लिया? बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, एक बार स्टडी छोड़ करके जब जॉब में चले जाते हैं फिर वो स्टडी में दोबारा आते हैं तो बहुत मुश्किल होता है वो लय रिदम बना पाना। आपने वो रिदम भी बनाई और फिर आपने इतना कॉन्फिडेंस लेवल अचीव कर लिया कि आपने नौकरी के साथ यूपीएससी की आपने तैयारी के लिए सोचा, तो थोड़ा सा वो बताइए कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या था और सब्जेक्ट आपके क्या थे? मेरे जॉब प्रोफाइल पहली नौकरी में एनालिस्ट की थी। मैं एक सिक्योरिटाइज प्रोडक्ट ग्रुप, एक फाइनेंशियल क्लास होती है, मैं उसमें एनालिसिस करता था। और अभी मेरी जॉब प्रोफाइल डेटा साइंटिस्ट की है, जो हम OpenAI से डील करते हैं, मैं उसमें काम करता हूँ। और मेरा सब्जेक्ट जो था वो मैथमेटिक्स था। और मैं बोलूँगा कि इसमें मेरे साथ जो लोग हैं, मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरे भाभी और मेरे दोस्त कुछ हैं जिन्होंने मुझे वो एक सपोर्ट दिया, एक मोटिवेशन दिया कि हाँ तुम कर सकते हो तैयारी साथ में और कंटिन्यू कर सकते हो, तो उसके थ्रू मैंने वो सब। मैथ में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई? मैथ तो मुश्किल सब्जेक्ट मानते हैं बच्चे। मैथ मुश्किल मानते हैं बट कुछ पार्ट्स मैंने कॉलेज में पढ़े थे और मैथ शुरू से ही अच्छा लगता है, तो मैथ करने में मतलब हमेशा ही वो इंटरेस्ट आया, चाहे डिफिकल्ट था बट मैथ करते हुए कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि बहुत डिफिकल्ट है या कुछ है। तो मैथ का सब्जेक्ट से आपने यूपीएससी क्लियर किया है? हाँ जी। एक बात मैं पहले से थोड़ा सा हम पास्ट में जाते हैं, आपने बताया कि आईआईटी दिल्ली में आपने जो है कॉलेज किया, आईआईटी दिल्ली में दाखिला बड़ा मुश्किल से मिलता है बच्चों को, उसके बारे में थोड़ा बताएं ताकि जो बच्चे आपका ये वीडियो देखेंगे उनको प्रेरणा मिले किस तरह से आईआईटी दिल्ली में दाखिला होता है, उसके बाद आप यूपीएससी में जॉब करते हुए भी जा सकते हैं। सब
आईआईटी दिल्ली से पहले मैं एक कॉलेज है DTU, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, मैं उसमें पढ़ रहा था। वहाँ पर रहते रहते मैंने 1 साल दोबारा तैयारी की, और मुझे लगता है कि बेसिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के सब्जेक्ट, अगर आप बेसिक्स क्लियर हो, अगर आप याद ना करें और समझ कर करें, तो आपका आईआईटी में हो सकता है एडमिशन। या आईआईटी के बाद फिर यूपीएससी भी आराम से हो सकता है। वो मुझे लगता है आईआईटी जरूरी नहीं है यूपीएससी करने के लिए, वो बिना आईआईटी के भी हो सकता है, बस आपको लगन से मेहनत करनी है। और मुझे लगता है वो दिल से आना चाहिए कि मुझे क्यों यूपीएससी करना है, क्योंकि बहुत समय आते हैं जब आप लो फील करते हैं, लेकिन आप जिस कारण से घुसे हो अगर आप वो याद रखोगे तो फिर थोड़ा आसान हो जाता है। आपका पूरे ओवरऑल एक कहीं ना कहीं सेंटेंस होता है, एक बूस्टअप करने की लाइन होती है, आपकी वो लाइनें क्या थी जिनको लगातार आपको प्रेरणा देती रही, आप सफलता हासिल की है? एक ही लाइन थी कि मैं देश की सेवा कर पाऊंगा इससे ज्यादा लोगों से जुड़कर, जो शायद एक कॉरपोरेट सेटअप में उतना नहीं जुड़ पाऊंगा। मैं जुड़ पाऊंगा, बट यहाँ से मैं ज्यादा करीब से लोगों की सेवा कर पाऊंगा। जो आपका रैंक आया है, इस रैंक में आपको कौन कौन सा जॉब प्रोफाइल मिल सकता है, जो संभावनाएं हैं? इसका अभी मुझे पूरी तरह से आइडिया नहीं है क्या मिलेगा, वो हमें 1-2 महीने बाद पता चलेगा, लेकिन जो भी मिलेगा मुझे लगता है कि हर प्रोफाइल में एट द एंड ऑफ द डे हम देश की GDP में कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। जो अभी करंट डेवलपमेंट का फेज चल रहा है हमारा, अमृत भारत का जो चल रहा है, तो कुछ भी मिलेगा हम उसमें मतलब एक अच्छा कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। बच्चों के लिए तो आप बताइए रास्ता, कि जो बच्चे स्टडी में हैं इस समय, स्कूलिंग में हैं, कॉलेज में हैं, और या जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो किन बातों का ध्यान रखें कि यूपीएससी इस तरीके से क्लियर हो सकता है? आपको एक रूटीन होना चाहिए मुझे लगता है, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जो बोलते हैं कि हमें 18 घंटे पढ़ना है, तो शायद वो मेरे लिए सच नहीं है। मैं मानता हूँ कि अगर आप दिन में 7 से 8 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन डेली पढ़ते हैं, उतना सफिशियंट है एक यूपीएससी करने के लिए। क्या पढ़ना है आपको ये पता होना चाहिए, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर जिनका सिलेक्शन हुआ है कि उन्होंने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, उसकी हेल्प से एनसीईआरटी पढ़कर और प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखकर मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है करना। आपका रूटीन क्या था? मेरा रूटीन वेरी किया है, जब मैं जॉब नहीं कर रहा था तब मेरी शाम को क्लासेस होती थी, क्लासेस के बाद मैं उन क्लासेस के नोट्स बनाता था और पढ़ता था, और उसके अलावा मैं साथ में ऑप्शनल की मैंने कोचिंग नहीं ली थी तो वो खुद से करता था। इसके अलावा जब मैं जॉब कर रहा था तो मैं जॉब के बाद जितना समय मिलता था इंटरव्यू की तैयारी करता था। अब हम फैमिली पे आ जाते हैं, फैमिली में फादर करते क्या है, मम्मी ने सपोर्ट कैसे किया? मुझे लगता है सबसे बड़ा सपोर्ट उन्हीं का था कि जब मैंने उनको बोला था कि मैं जॉब छोड़कर आ रहा हूँ एक मुंबई से, एक अच्छी पेइंग जॉब, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि क्यों छोड़ रहे हो, उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा मन है वो करो। और पापा और मम्मी रिटायर्ड टीचर्स हैं, तो हमेशा से ही उनका एक सपोर्ट तो रहा ही है उस सेंस में। परिवार परिवार में और कौन कौन है? में मेरे भैया और भाभी हैं, वो दिल्ली रहते हैं और वो नौकरी करते हैं। वो भी इस फील्ड में? अब भैया आईटी सेक्टर में ही जॉब करते हैं और भाभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में हैं। हाँ जी, उनका भी कहीं ना किस तरह सपोर्ट रहा आपकी इसमें, इस सफलता में? हाँ जी, जब तो मेरे सारे एग्जाम दिल्ली में ही होते थे, तो कभी भी मुझे वो रहने की प्रॉब्लम नहीं आई कि हमेशा एक घर वाला माहौल मिल जाता था रहने के लिए। तो और कभी कुछ होता है, आपको कुछ प्रॉब्लम आई, आप घर वालों पेरेंट्स को नहीं बता सकते, तो आप भैया भाभी से पूछ सकते हो क्योंकि वो आपकी एज ग्रुप के हैं। तो मुझे लगता है वो मोटिवेशन और कभी लो फील ना करना उनके थ्रू कंटिन्यू रहा। नमस्कार। नमस्कार जी, पहले तो अपना पूरा नाम बताइए। सर मेरा नाम है तिलक राज सिंगला। सिंगला जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। तो आप क्या करते थे, आपका प्रोफाइल क्या था? मैं इंग्लिश लेक्चरर था, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल से रिटायर हुआ, कितने साल हो? अभी पिछले साल ही हुआ था। तो बेटे ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, क्या प्रेरणा शुरू से ही आपने इस बारे में प्रेरित किया था, या बच्चे के अंदर अपने आप ही इस बारे में कि आप यूपीएससी क्लियर करना आ गया था, किस तरह से आपने मोटिवेट किया? पढ़ाई के दौरान कैसा था, और उम्मीद थी कि ये सफलता हासिल करेंगे? नहीं, ये तो शुरू से था, इंटेलिजेंट था शुरू से ही, मेरे को था भाई कुछ करेगा जरूर। पहले इसका एडमिशन हुआ DTU में, तो मैंने कहा बेटा ठीक है, मेरे को इतना नॉलेज नहीं, लेकिन IIT का नाम है, IIT का थप्पा है, तो इसने पापा की बात मन में कही और अगले साल फिर IIT में एडमिशन हुआ। उसके बाद इसने, हमने कहा देख ले बेटा जो तेरा मन करता है, अपने आप प्रेशर नहीं डालते हम, अपने आप इसके दिमाग में आई, कहते पापा मैंने उसकी IAS की तैयारी करनी है।
यूपीएससी एग्जाम जब इतनी अच्छी पर जॉब पे था और जॉब में अच्छी पे वे सैलरी भी थी जब छोड़ गया तो आपको कुछ लगा नहीं कि नहीं जॉब करनी चाहिए? नहीं, मैंने कहा बेटे कोई कोई चिंता नहीं, कोई किसी प्रकार कुछ कोई प्रेशर नहीं, जो तेरी इच्छा है वो कर। आज आपकी तो फीलिंग्स हैं किस तरह से, आप कैसा लग रहा है कि बेटा ने सफलता से? आज तो कोई खुशी है ठिकाने ही नहीं है कोई भी, बहुत ज्यादा खुशी है और मन की है भाई यूपीएससी एग्जाम क्लियर हो गया, सबसे टॉप जो नौकरी है क्लियर हो गया। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। आप बताइए बचपन से ही इनका कैसा था पढ़ाई में बेटा? और बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था, बहुत लायक था, मतलब फर्स्ट ही रहा है अपने स्कूल में भी, स्कूलिंग टाइम में भी, और फिर इसने इतनी मेहनत की कि आईआईटी दिल्ली में इसका एडमिशन हो गया। डीटीयू में इसने जरूर लिया परंतु उस समय भी इसका आईआईटी में तो हो गया था, इसको ट्रेड इसके मनपसंद नहीं मिली तो इसने बोला भी मैं वहाँ एक साल रहते रहते फिर इसने दोबारा से तैयारी की और फिर इसका फिर दोबारा से इसका हो गया आईआईटी। और बचपन से ही जैसे इंटेलिजेंट था, आपने एक माँ के तौर पर कैसे प्रेरित किया? बस हम तो पूरा इसको साथ ही देते थे, इसका मेहनत तो इसी की है, सपोर्ट ही कर सकते हैं हम पेरेंट्स तो। आपको कैसा है, कितनी खुशी महसूस हो रही है? तो बहुत ज्यादा, कोई ठिकाना ही नहीं है खुशी का। चलो, बहुत बहुत